कानपुर देहात के मैथा तहसील क्षेत्र के मड़ोली पंचायत के चालहा गांव में ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की टीम के सामने कब्जेदार की झोपड़ी में संदिग्ध हालत में आग लग गई। अपना आशियाना जलता देख मां बेटी झोपड़ी में घुस गई। दोनों को बचाने के प्रयास में मकान मालिक और रूरा थाना प्रभारी झुलस गए। इस घटना के दौरान मां बेटी के साथ कई बकरियों की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने हंगामा करते हुए लेखपाल पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। भीड़ का गुस्सा देख पुलिस और प्रशासन की टीम ने वहां से भागकर खुद को बचाया। तो वहीं इस मामले पर पुलिस प्रशासन एक्शन में आया और मामले की जांच में जुट गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर महिला बाल विकास मंत्री प्रतिभा सिंह पहुंची और इस घटना की निंदा की। इस घटना के बाद प्रदेश का सियासी पारा गर्मा गया है और समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया कि निर्दोषों की हत्या कर रहे अत्याचारी बुलडोजर सरकार के अधिकारी। कानपुर के मड़ोली गांव में बुलडोजर कार्रवाई के चलते लगी आग में मां बेटी की जलकर हुई मौत, मौके से फरार हुए अफसर शर्मनाक। आरोपी डीएम एसडीएम लेखपाल पर धारा 302 के अंतर्गत हो मुकदमा। मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे सरकार। तो वहीं समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस ने ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला बोला और लिखा कि यूपी में तानाशाही चरम पर है। कानपुर में ब्राह्मण परिवार का मंदिर तोड़ दिया गया, घर पर बुलडोजर चला दिया गया। ब्राह्मण परिवार अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाता रहा, एक ना सुनी गई। आखिर में परेशान होकर घर की महिलाओं ने खुद को आग लगा ली, मौत हो गई। योगी के बुलडोजर ने दो जान ले ली। वहीं परिवार लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़ा रहा। इसमें 50 लाख परिवार के मुआवजे, घर के दो बेटों के लिए सरकारी नौकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तत्काल प्रभाव से मुलाकात और साथ ही परिवार को आजीवन पेंशन की मांग रखी है। वहीं कानपुर देहात पुलिस ने 11 नामजद लोगों के साथ साथ कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस मुकदमे में कानपुर देहात के मैथा तहसील के एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद लूंगा, थाना प्रभारी दिनेश गौतम और लेखपाल अशोक सिंह को मुख्य आरोपी बनाकर 307, 302 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है।